Am I audible? Yes, sir. Okay. So let's start today's session. Today's session is, this is the first part of ratio and proportion, right? So ratio and proportion, वैसे तो काफी लोगों को पता होगा कि क्या होता है, but आज हम लोग इसकी पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड व्हाट बेसिक सेज इज व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इफ यू सी ratio is nothing but it's a sort of fraction we can say, right. देखिए होता क्या है, अगर मैंने बोला ये एक पार्ट है, ये आपका एक समझो सर्कल है और इसके इतने सारे पार्ट हैं, और मैंने आपसे अगर पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आप डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है. बाकी के सारे पार्ट्स ये इस तरह से दिए हुए हैं. और अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला, इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, राइट, तो आप इसको कैसे डिनोट करते हैं फ्रैक्शन में. आप कहेंगे सर ये जो रेड वाला पार्ट है, ये सर एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है, बट ये एक पार्ट कितने का पार्ट है, ये एक पार्ट. तो आप कहेंगे सर ये एक दो तीन और चार, ये इस स्ट्रक्चर में टोटल चार पार्ट्स हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं, आप इसको हिस्सा भी कह सकते हैं, है ना, चार हिस्से हैं इस, ये जो आपका सर्कल है, इस ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है. तो आप कहेंगे सर ये चार हिस्सों में बटा हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स कहते हैं, या इसे ही हम रेशियो में यूनिट कहते हैं, ठीक है. तो ये जो सर्कल है, ये चार हिस्सों में या चार यूनिट्स, देखिए हिस्सा वही होता है ना, हाँ, कितने पार्ट्स में, कितने हिस्से में, कितने यूनिट्स में, ये सभी तीनों चीजें सेम है. तो हमने देखा कि ये जो सर्कल है, ये चार यूनिट्स में बटा हुआ है. और मैंने आपसे पूछा कि ये जो रेड वाला जो पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन है, इसको अगर आपको डिनोट करना है तो आप कैसे करेंगे. तो आप कहेंगे सर ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये एक है, लेकिन ये कितने पार्ट में से एक है. तो आप कहेंगे सर एक दो तीन चार, चार पार्ट में. तो आप इसको कैसे डिनोट करते हैं, वन बाई फोर, ठीक है, वन बाई फोर. इसी तरह से अगर मैंने यहां लिखा है टू बाई फाइव, टू बाई फाइव, इसका मतलब क्या है, टू बाई फाइव का मतलब है नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये हमेशा टोटल को डिनोट करता है ना. इसका मतलब ये है कि सर टोटल जो है ना वो पांच हिस्से, पांच पार्ट्स हैं, टोटल जो है वो पांच यूनिट्स हैं, और ये जो है ये इन पांच में से हम दो यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो फाइव, ठीक है, सो टू आउट ऑफ फाइव, ठीक है. तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो है, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है. तो ये हो गया आपका रेशियो, जिसे हम कहते हैं हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम कहते हैं यूनिट्स, ठीक है. देखिए अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. मैंने अगर आपसे कहा कि रुपीज हंड्रेड, रुपीज हंड्रेड, अच्छा ये इसको रहने दीजिए. हम अगर मैंने आपसे कहा कि भाई दस, ठीक है, दस रुपए हैं, ठीक है, दस रुपए हैं, और इस दस रुपए को आपको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना है, ए और बी में, ठीक है, ए और बी में. इसको सौ ही ले लेते हैं, चलो एक सेकेंड, हंड्रेड रुपीज है, हंड्रेड रुपीज है,
और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको ए और बी में, ठीक है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कहा कि इनका जो रेशियो है ना वो रेशियो क्या है, तो मैंने बोला सर इनका जो रेशियो है वो 3:7 है, 3:7। रेशियो मतलब क्या है, रेशियो मतलब देखिए अगर मैंने लिखा है 3:7, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3/7, इसका मतलब इसके पास 3 यूनिट है और इसके पास 7 यूनिट है ना, इसके पास 3 यूनिट है इसके पास 7 यूनिट है, टोटल कितने हो गए, ये 10 यूनिट्स हो गए, है ना, 10 यूनिट्स हो गए, तो 100 रुपीस, ठीक है, ये 100 रुपीस। अच्छा हमने बोला ये 100 रुपीस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ए और बी में, है ना, ये 100 रुपीस आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर इस, मैंने बोला ये 100 रुपीस इनको 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 100 में से 3 यूनिट ए को मिलेगा और 7 यूनिट किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे, राइट। हाँ तो अगर इसको 3 यूनिट मिलने वाले हैं और इसको 7 यूनिट मिलने वाले हैं, है ना, अब क्योंकि ये 100 रुपीस है बहुत आसान है, तो आप बता देंगे कि सर इसको 30 रुपीस होंगे इसके और इसको कितने मिलेंगे, 70 रुपीस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर बहुत आसान है, है ना, 100 रुपीस है सर, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं बिना किसी मैथमेटिकल अप्रोच के बताया जा सकता है उसको, राइट, बिल्कुल। तो अभी हमने इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली क्या होता है इसमें, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको देखते हैं तो इट इज लाइक, सर हमने देखा कि इनके पास 3 हिस्से थे, इनके पास 7 हिस्से थे, तो इनको अगर जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर इनको अगर जोड़ दिया तो 3+7 कितने हो गए, 10 यूनिट्स हो गए, 10 यूनिट्स हो गए, है ना, और मैंने आपसे कहा था कि इस 100 रुपीस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये है कि इन 100 रुपीस को अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इन दोनों में तो भी ये कितने रहेंगे, 100 ही रहेंगे, मतलब इन दोनों को जो दिया हुआ है पैसा इसको आप जब ऐड करेंगे तो भी क्या होने वाले हैं, 100 होने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, ये इट विल बी सम, है ना, इनका सम 100 रुपीस को अगर बांट भी देंगे, देखो 30 और 70 जैसे आपने निकाला, इनको आप बांट भी देंगे तो इनका सम कितने रहने वाला है, 100 रहने वाला है, है ना, इनका सम 100 रहने वाला है, इसका मतलब ये जो दी हुई वैल्यू ये क्या है, ये सम की वैल्यू की है। देखिए अगर कहीं भी आपको ये दिखाई देता है कि सम अमाउंट हैज टू बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आपके सम की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 100 रुपीज है और बांटने के बाद भी कितना रहेंगे, ये 100 ही रहने वाले हैं, तो ये सम की वैल्यू है। अगर ये सम की वैल्यू है तो हम रेशियो में क्या करते हैं, जो भी रियल वैल्यू के साथ होता है वही हम इस रेशियो के साथ भी करते हैं। तो हमने देखा कि ये 100 रुपीज जो था ये सम था, तो हम यूनिट का भी क्या करेंगे, सम करेंगे, तो यूनिट का हमने सम किया तो कितना आया, 3+7 10 आया, ये यूनिट्स में रेशियो में, है ना, यूनिट्स का सम कितना है 10 और एक्चुअल रियल वैल्यू कितनी है सम की 100, तो हम इसको लिखेंगे सर 10 यूनिट्स की वैल्यू है 100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 100 / 10, तो मतलब ये 0 से 0 कटा तो कितना बचा 10, तो ये जो 10 होगा इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें हर बार क्या होता हो, क्या करना होता है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अभी ये छोटा सा एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि रुपीज 2700 है ना हैज टू बी डिवाइडेड अमंग्स ए एंड बी, ए एंड बी, ओके, एंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:7, ओके। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि भाई अगर 2700 रुपए जो हैं 2700 आपको ये क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए और बी में, तो ए को कितना मिलेगा और बी को
कितना पैसा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने क्या कहा था आपको क्या करना है, आपको ये डिवाइड करना है, राइट, डिवाइड करना है। तो जहां पर भी ये लैंग्वेज आएगी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये सम की वैल्यू है। रियल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो है वो सम है। अगर ये सम है तो हम रेशियो का भी क्या लेंगे, रेशियो का भी सम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2+7 विच इज इक्वल टू 9। रेशियो में ये वैल्यू, यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है सम करने से, 9, जबकि एक्चुअल रियल वैल्यू कितनी दी है, 2700। तो 9 यूनिट की वैल्यू है 2700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2700 डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स इट इज 300। तो ये जो 300 है, ये 300 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब आपको जब ये पूछा जाएगा कि सर ये ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, तो हम हर बार क्या करते हैं, इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपको कहोगे सर ये मेरा आ गया 600 और ये मेरा कितना आ गया, 2100, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ए को कितने पैसे मिले, 600, और बी को कितने पैसे, 2100। आप इनको अगर ऐड करेंगे तो ये अमाउंट जो है टोटल होगा किसके, ये अमाउंट होगा आपके टोटल इस अमाउंट के, 2700, ठीक है। इसीलिए आपसे कहा था कि अगर डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये सम की वैल्यू है, ठीक है। चलिए, अभी ये दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, अभी हम इसको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। चलिए, अगर मैंने आपसे कहा कि सर रुपीज 12,100 is to be divided amongst A, B and C, and ratio between A, B and C, okay, is sir 4:5:2, okay? अभी यहां पर हमने क्या देखा कि सर ये 12100 ये जो पैसा है हमको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो इनका पैसों का जो रेशियो है, मतलब इन पैसों का सर 4 यूनिट इसके पास है, 5 यूनिट इसके पास है और 2 यूनिट इसके पास है। आपको पूछा है कि अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये 12,100 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा और सी को कितना पैसा मिलने वाला है, ये आपसे पूछा है। अब जैसा कि हमने देखा कि सर डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है, ये सम की वैल्यू है, तो रियल वैल्यू जो है वो क्या है, सम की वैल्यू है। तो हम इन रेशियोज का भी क्या करेंगे, इनका हम सम करेंगे, और सम करेंगे तो ये क्या आएगा, 4+5+2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 11, है ना। तो रेशियो का सम कितना आया, 11, रेशियो का सम 11 आया, है ना, यूनिट्स का सम कितना आया, 11 आया, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी दी है, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू दी है 12,100, ठीक है। हाँ, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 12100 डिवाइडेड बाय 11, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 1100 आ गया, ठीक है। तो ये जो 1100 आया वो क्या हो गया, वो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, वो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, राइट। चलिए, तो अब आपसे इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स के थ्रू हम क्या निकालते हैं कि भाई एक इंसान को कितने पैसे मिले, है ना, इंडिविजुअल कॉस्ट हम निकालते हैं इससे। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से, इसको भी करेंगे 1100 से, इसको भी करेंगे 1100 से, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअली कॉस्ट आ जाएगा, तो
तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा 4400, और ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये हो गया 5500, और ये कितना हो गया 2200। अब आप इन सब को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आप भी जानते हैं कि अगर, क्योंकि ये सम की वैल्यू थी सर, इन सबको मैं अगर सम करूंगा तो ये ऑब्वियसली क्या आने वाला है, ये आने वाला है 12100। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। इसमें एक चीज हो जाती है, ये डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट है ना। देखिए आपको बता देते हैं सम कहां कहां पर रहता है, सम कहां कहां पर होता है। अगर आपको दिया हुआ है कि भाई डिवाइड सम अमाउंट अमंगस्ट टू थ्री पीपल, और डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट राइट, हाँ, तो यहां पर सम की वैल्यू आती है। और डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस जिसे हम कहते हैं वो कहां कहां पर आता है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंस आता है जब भी आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है मोर देन, है ना, लेस देन, या फिर आपको दिखाई देगा लेटर और अर्लियर, या आपको दिखाई देगा विन, है ना, और लूज, और आपको दिखाई देगा इसमें पास एंड फेल। तो इन सभी जगह में हमने क्या लेना होता है, ये हमने डिफरेंस लेना होता है। देखिए मैं आपको ये एग्जैक्टली अभी आपको बताऊंगा ये मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। बट इतना समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रियल वैल्यू जो होगी वही, जो रियल वैल्यू के साथ होता है वही आपने हमेशा रेशियो के साथ करना होता है। अब यहां पर देखिए डिफरेंस जो मैं आपसे कह रहा था, ये मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने आपसे कहा कि ए और बी, ए एंड बी, ओके, दे आर टू पीपल ए एंड बी, एंड ए ए रीचेस ऑफिस, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, इफ ए रीचेस ऑफिस ऑफिस फ्रॉम होम लिख देते हैं, चलिए, है ना, ए एंड बी, देर आर टू पीपल, सी देर आर टू पीपल ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए टेक्स 15 मिनट्स मोर देन बी टू रीच ऑफिस फ्रॉम होम। ओके, ए टेक्स हाउ मच, 15 मिनट्स मोर देन द बी टू रीच ऑफिस फ्रॉम होम, राइट, इफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी is 5:2, then find how much time B takes टू रीच ऑफिस। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दिया था कि भाई ए और बी दो लोग हैं, ए जो है वो बी से 15 मिनट ज्यादा लेता है ऑफिस पहुंचने के लिए, है ना, मोर देन, या बताया था ना डिफरेंस कहां पे लेते हैं, मोर देन, मोर देन का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। अगर ये ए जो है बी से 15 मिनट ज्यादा लेता है तो ऑब्वियसली बी जो है वो ए से क्या करता है, 15 मिनट कम लेता होगा, है ना,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिफरेंस जिसे हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस जिसे हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन कभी भी प्लस और माइनस में नहीं होता है, मार्जिन मार्जिन होता है। ठीक है ना, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 5 और 10 का मार्जिन कितना है, डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 5। वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि 5 माइनस 10 सर ये तो -5 हो गया, है ना, ये नहीं कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन कितने का है, तो मार्जिन की बात होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस। अब यहां पे दिया है रेशियो, तो इस रेशियो को क्या करते हैं, हम यहां लिख लेते हैं कि सर ए रेशियो बी इनका टाइम टेकन रेशियो कितना दिया है। आप कहेंगे सर 5:2। अब मैंने देखा कि सर ये जो वैल्यू दी हुई है ना 15 मिनट्स, ये किस चीज की वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर ये डिफरेंस है ए और बी के ऑफिस पहुंचने का जो टाइम लगता है उसके बीच का डिफरेंस है ना। क्यों डिफरेंस है, मैं आपको बताया था सब, जहां भी मोर देन लेस देन पास फेल वॉन लॉस्ट ये सब आता है, तो ये हमेशा डिफरेंस की वैल्यू होती है। तो जब ये जो रियल वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे किसकी है, डिफरेंस की, है ना, ये डिफरेंस की है। तो अगर ये रियल वैल्यू हमारी डिफरेंस की है, तो हम रेशियो को भी क्या लेंगे, डिफरेंस। तो आपने देखा कि 5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 और 2 का डिफरेंस होता है 3। ठीक है, तो रेशियो के डिफरेंस की वैल्यू है 3, और एक्चुअली रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, रियल वैल्यू, तो वो आप कहेंगे सर वो है 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 15 / 3 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 क्या हो गया, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बी को कितना टाइम लगा, आप कहेंगे 10 मिनट्स, और ए को कितना लगा, 25 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं कि ए को बी से कितना ज्यादा लगा, 15 मिनट ज्यादा लगा, है ना, 15 मिनट, जो कि सवाल में दिया हुआ था। तो भाई यहां से आपका आंसर निकल गया कि सर बी को जो है ना वो 10 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने में, और ए को कितने देर लगते हैं, 25 मिनट्स। और ये यहां से सेटिस्फाई करता है कि भाई ए जो है वो 15 मिनट ज्यादा लेता है बी से। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे कि भाई रियल वैल्यू किस की है, जो चीज रियल वैल्यू के साथ होती है वही चीज आपने हमेशा रेशियो के साथ करनी है। क्लियर है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 24 एंड रेशियो बिटवीन देम इज 2:3, देन फाइंड दोज नंबर्स। है ना, क्या दिया था, एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज हाउ मच, 24, एंड रेशियो बिटवीन देम इज हाउ मच, 2:3। ठीक है, तो भाई रियल वैल्यू किस चीज की है, आप कहेंगे सर ये एलसीएम की वैल्यू। रियल वैल्यू क्या है, एलसीएम है ना। तो अगर रियल वैल्यू, देखिए मैं यहां लिखता हूं a:b, ये कितना दिया है, आप कहेंगे सर 2:3 दिया हुआ है। तो अगर रियल वैल्यू जो है वो किसकी है, एलसीएम की है, तो आपने इसका भी क्या लेना होगा, नंबर्स का, इसका आपने एलसीएम लेना होगा, है ना, क्योंकि रियल वैल्यू, देखिए जो रियल वैल्यू के साथ होता है वही हम रेशियो के साथ करते हैं। तो क्योंकि रियल वैल्यू किसकी थी, एलसीएम की थी, तो आप इसका भी क्या लेंगे, एलसीएम। और 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 6, है ना। तो यूनिट यूनिट में रेशियो की वैल्यू आ रही है एलसीएम के 6, और ओरिजिनली कितनी दी हुई है, 24, तो 6 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 24/6, दैट मीन्स इट इज 4। तो ये जो 4 हो गया, ये क्या हो गया, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। और आपको चाहिए थे वो नंबर्स, ये 2 और 3 नंबर्स हैं क्या, नहीं, आपको नंबर्स निकालने हैं, ये तो रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ 2 और 3 रेशियो है।
आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या क्या करना होता है, आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, ये है फोर, इधर भी करेंगे फोर से, तो ये दिस विल बिकम हाउ मच एट एंड दिस विल बिकम हाउ मच 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर ए जो है मेरा ए नंबर जो है वो 8 है और बी नंबर जो है वो क्या है 12 है, ठीक है, ए नंबर आपका 8 हो गया और बी क्या हो जाएगा 12 है, ये दोनों मेरे नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या करता है, इसमें जो क्वेश्चन है ना दोज नंबर्स पूछा, ये तो अलग अलग पूछ लिया, कभी कभी इसमें ऐसा पूछता है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8, अगर पूछा कि लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे 12, और आपसे पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 4 हो गया, और अगर पूछ लिया प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 12 8 96, प्रोडक्ट हो गया आपका 96। तो ये सब जो होते हैं वो वेरिएशन होते हैं। जो बेसिक चीज हमने याद रखनी है वो ये है कि भाई जो हमको रियल वैल्यू दी है वो किस चीज की है, आप कहेंगे सर वो एलसीएम था, तो इसलिए रेशियो का भी हमने क्या लिया, रेशियो का भी हमने एलसीएम लिया, वो 6 आया, तो 6 यूनिट की वैल्यू 24 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो ये नंबर 8 हो गया और ये नंबर 12 हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आपने हमेशा सॉल्व करना है। चलिए और देखते हैं, एलसीएम देख लिया, अब एक देख लेते हैं भाई अगर एवरेज आता है, अभी मैंने बोला कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज मान लेते हैं 81, ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 81, राइट, एंड रेशियो बिटवीन देम, रेशियो बिटवीन देम इज 2:3:4, एंड फाइंड दोज नंबर्स, फाइंड दोज नंबर्स, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, रियल वैल्यू क्या है, अभी रियल वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर रियल वैल्यू जो है ना वो एवरेज की वैल्यू है, अगर रियल वैल्यू एवरेज की वैल्यू है तो रेशियो के साथ भी आपने क्या लेना पड़ेगा, रेशियो का एवरेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, सर वो 3 नंबर में मान लेता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी है, और रेशियो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 2:3:4 है। तो क्योंकि यहां पर रियल वैल्यू किस चीज की थी, एवरेज की थी, तो हम इसका भी क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह से लिया जाता है, 2 + 3 + 4 कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3, तो ये कितना हो गया 9/3, इसका मतलब हो गया 3, तो ये रेशियो का एवरेज कितना आया 3, और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 81, सो 3 यूनिट की वैल्यू है 81, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 27 हो गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 27 हो गई, और सर ये क्या है मेरा, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अगर ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और मुझे ये नंबर्स निकालने हैं तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे हर रेशियो की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी 27, राइट, इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद क्या होगा, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर है इतना, हाँ। चलिए यहां से वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा, तो ये आप कहेंगे सर ये नंबर जो है ना ये मेरा कितना हो गया, ये 54 हो गया, ठीक है, और ये मेरा कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 81 हो गया, और ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये मेरा 108 हो गया, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सर ये तीनों का जो एवरेज है ना वो कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए, है ना, हाँ बिल्कुल, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमेशा क्या करना है, निकालना है चीजों को, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे आपने हर बार क्या करना है, आपने हर बार जो करना होता है वो एक ही चीज होती है कि आपको
मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या है, रेशियोज की वैल्यू जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको निकाला जाता है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली थ्योरी है ना, ये कहां कहां पर नहीं काम करती। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली जो थ्योरी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी है, वो कहां कहां पर काम नहीं करती है, कहां कहां पर काम नहीं करती है। तो सबसे पहली चीज है वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। दूसरा है स्क्वायर, और तीसरा होता है क्यूब। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन अगर दिया हुआ है आपको वहां पर नहीं होता है, स्क्वायर आपको पता है और क्यूब आपको पता है। तो इन तीनों जगह में क्या होता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी जो आपकी वो काम नहीं करती है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी काम नहीं करती है सर, तो क्या करेंगे ना, तो वो हमको देखना होगा कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी यहाँ पे काम नहीं करती है तो हम लोग क्या करते हैं। देखिए जैसे अगर दिया हुआ है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24 and ratio between these numbers is 2:3, then find the numbers। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है प्रोडक्ट, दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24, है ना। तो यहाँ पे अगर हम जनरली क्या करते थे कि सर ये दो नंबर हैं ए रेशियो बी, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो जनरली क्या करते थे सर कि ये प्रोडक्ट है तो हम इसका भी प्रोडक्ट कर देंगे, तो 6 आ गया, तो 6 की वैल्यू कितनी है 24, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, इस तरह करते थे ना। हाँ, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि सर जहां पर भी प्रोडक्ट की बात होगी, स्क्वायर्स की बात होगी, क्यूब्स की बात होगी, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता है तो क्या एप्लीकेबल होता है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होता है। यहां पर जब भी आपको प्रोडक्ट की बात हो ना, जब भी आपको प्रोडक्ट की बात हो तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 और 3 है ना, इसको आप एक्स मान लेते हैं। okay? इसको आप क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सो यू विल कंसिडर इट एज 2x and 3x, x मान के सॉल्व करते हैं इसको हमेशा। ठीक है, तो इसको आप क्या मान के सॉल्व करेंगे, x मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए अभी आपने x मान लिया तो आपके दो नंबर्स क्या क्या हो गए, आप कहेंगे सर 2x हो गया और 3x हो गया। नाउ अप्लाई दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी। सर यहाँ पे दिया था कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 24, तो रियल वैल्यू प्रोडक्ट की है, तो हम इन नंबर्स का भी क्या करें, इन नंबर्स का ना, हाँ, इसका भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो सर 2x into 3x कितना है ये, आप कहेंगे 24 है, ये 24 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6x² = 24। तो सर x² = कितना हो जाएगा, 24 / 6, दैट मींस इट इज 4। x² = 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे √4, व्हिच इज हाउ मच 2। सो दिस विल बी योर व्हाट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे x, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 into 2, दैट मींस दिस नंबर इज 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 into 2, that means this number is how much? 6. So these are your numbers which you have to find out. 4 and 6. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया था product of two numbers is 24 दिया था ना, तो देख लो इनका product कितना होता है, 24 होता है कि नहीं होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, satisfy करता है। ठीक है, इसी तरह से
आपने स्क्वायर और क्यूब में भी करना है, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब में भी आपने सेम चीज करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ये हम मान लेते हैं, चलिए वन ट्वेंटी फाइव, सिक्स ट्वेंटी फाइव मान लेते, चलो सिक्स ट्वेंटी फाइव, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 625 एंड रेशियो बिटवीन द नंबर्स इज 3:4, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज हाउ मच, 625। हमने देखा कि जब भी प्रोडक्ट स्क्वायर और क्यूब की बात होगी तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको एक्स मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, हमने माना कि ए रेशियो बी दिया हुआ है, सर कितना है, 3:4 है, तो हम इसको क्या मानेंगे, आपने बताया सर इसको 3x मानेंगे और इसको 4x मानेंगे, तो क्या हुआ, ये मेरे वो दो नंबर्स हो गए फिलहाल के लिए, x मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो ये दोनों नंबर मेरे क्या क्या हैं, आप कहेंगे सर 3x एक नंबर है और 4x एक नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का और उसको सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, आप कहेंगे सर 625 दी है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 625। x स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 625, तो ये हो गया x स्क्वायर, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ जैसे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर इंटू 25 इज इक्वल टू 625। ये यहाँ पर डिवाइड है तो इधर जाके, सॉरी मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 625 डिवाइडेड बाय 25 व्हिच कम्स टू 25। सो x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे सर ये 5 हो गई, अगर x की वैल्यू मेरी 5 हो गई है तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा, यहाँ पे 5 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा 4 × 5, दैट मींस ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 20, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करा है। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये इसका तो ये 625 नहीं आ रहा है, अरे भाई आएगा ना, किसे नहीं आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर बोला है ना, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, ये देखो ये दोनों मिला के कितना आया 625, हाँ कहीं नहीं जाता है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है, हमेशा आपने हमेशा सिर्फ यही देखना है हर बार कि भाई मेरा जो रियल वैल्यू है वो किस चीज की वैल्यू है, और जो रियल वैल्यू के साथ होता है वही हम क्या करते हैं, रेशियो के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आपके लिए कि भाई अगर फाइंड आउट 3 नंबर्स विच आर इन रेशियो, देखो 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:2:5, ठीक है, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू
such that sum of their square is equal to how much? This is 1862. चलिए इसको सॉल्व करेंगे. अब क्या करेंगे भाई, तीन नंबर्स हैं. हमने मान लिया कि सर ये ए रेशियो बी रेशियो सी है और इनका रेशियो कितना दिया है. आप बोलोगे सर 3, 2 और 5 दिया है. तो सर यहां बात हो रही है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. स्क्वायर्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम इसको क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे. क्या मान लेंगे इसको, एक्स मान लेंगे. अब इसको एक्स मान लेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. एक्स मानने के बाद हमने सॉल्व करना शुरू किया तो सर क्या होगा, ये क्या दिया था, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया है. तो करते हैं सम स्क्वायर इनके, 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर और इनका सम, ये कितने के बराबर है, इज इक्वल टू 1862 के बराबर है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1862. x स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लीजिए या ऐसे ही ऐड कर लीजिए तो 13, 28 ही हो गया, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1862. तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1862 डिवाइडेड बाय 38 हो गया. ठीक है, अब ये 38 हो गया. अब इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं सर, 4 × 16 तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा आपका 4 times से. ठीक है, फर्स्ट टाइम जाएगा 4 times से. 4 times से आपने किया तो आ गया 38 और ये आ गया 342. 9 times जा रहा है आपका, 9 times. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू आर स्मार्ट इनफ, 7 हो गई. तो सर ये मेरे नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ये जो नंबर है ये मेरा हो जाएगा 21 पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 35. दिस इज माई आंसर. ठीक है, सो इस तरह से क्या है, आपने हमेशा इसको निकालना है. क्लियर है इतना. तो इसी तरह से बस एक ही चीज याद रखनी है हमेशा कि भाई जो भी हो आपका रियल वैल्यू जो भी दिया रहेगा ना, रियल वैल्यू की जो वैल्यू होगी, जो भी जिस चीज की वैल्यू, अगर वो सम है तो सम, अगर वो डिफरेंस है तो डिफरेंस, और अगर वो आपका जो है प्रोडक्ट है या फिर स्क्वायर करना है या क्यूब करना है या फिर आपने समझिए कि उसको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, कुछ भी जो जो कुछ भी आपको रियल वैल्यू में दिया होगा वही आपने हर बार क्या करना है, रेशियो के साथ करना है. बस इतनी सी चीज आपको हमेशा याद रखनी है. इसके अलावा पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और कुछ भी नहीं है, कभी कोई दिक्कत ऐसा सच आपको होगी नहीं. ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये आपको बेसिक मैंने फंडामेंटल बताया इस चीज का कि आपको किस तरह से आपको चीजों को लेना है और सॉल्व करना है, रेशियो सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये मैंने आपको बताया. ठीक है, अब बेसिक चीज इसमें एक और देखते हैं हम, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये तो हम क्या कर रहे थे, ओवरऑल ले रहे थे, है ना. अभी मैंने अगर आपसे बोला कि दो लोग हैं सपोज, है ना, ए एंड बी दो लोग हैं. ठीक है, दो लोग हैं और इनके समझो ए की इनकम जो है, इनके इनकम की बात कर रहे हैं, है ना, इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, मैंने बोला ए और बी दो लोग हैं और इनके इनकम का जो रेशियो है ना, इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, तो मैंने बोला सर ये 5:7 है. इन दोनों को जो इनकम मिलता है, इनके इनकम का रेशियो 5:7 है. ठीक है,
और मैंने अगर क्वेश्चन में दिया है कि सर देर आर टू पीपल ए एंड बी एंड रेशियो बिटवीन रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 5:7, उसके बाद एक दिया है इफ इफ इनकम ऑफ बी इनकम इनकम ऑफ बी इज इनकम ऑफ बी इज 77,000 इनकम ऑफ बी इज हाउ मच 77,000 देन फाइंड द इनकम ऑफ ए. ठीक है, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, इनकम ऑफ बी. ठीक है, यहां पर भी सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला फंडामेंटल काम करता है. ठीक है, दो लोग हैं, दो लोग का रेशियो दिया हुआ है और एक का इनकम दिया हुआ है. किसका इनकम दिया हुआ है? आप कहेंगे सर बी का इनकम दिया हुआ है. तो ये बी का रेशियो है 7, इसका इनकम कितना दिया था आपको? इसका इनकम दिया है सर 77,000, है ना. मतलब क्या है यहाँ पर सीधा सा कि सर 7 यूनिट जो है ना, ये 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 77,000 है. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 77,000 डिवाइडेड बाय 7, विच मीन्स हाउ मच? 11,000. तो एक यूनिट की वैल्यू 11,000 है, तो भाई एक इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 55,000 विल बी द इनकम ऑफ. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी जो है, जो हम आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो ऐसे हर जगह में आपको ऐसे भी आप उसको यूटिलाइज, किसी एक की भी वैल्यू दी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, देखिए एक और ले लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन. मैंने बोला कि ए बी और सी तीन लोग हैं. ठीक है, तीन लोग हैं और तीनों के पैसे का जो रेशियो है ना, पैसों का जो रेशियो है वो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सर 3:7:5 है. ठीक है, और मैंने बोला कि सर ए जो है ना, ए की जो इनकम है, ठीक है, ए की जो इनकम है वो कितनी है? तो मैंने बोला सर यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि तीनों के पैसे जो इनकम का रेशियो है वो 3:7:5 है. और मैंने बोला कि सर ए की जो इनकम है ना, ये बराबर है 80, चलिए छोटा ही नंबर लेते हैं समझाने के लिए. अगर मैंने बोला कि ए की जो इनकम है वो है 9,000 रुपीज ए की इनकम है. ठीक है, तो ये आपसे पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ B एंड C, ये आपसे पूछा है ना. A की इनकम दी है कितनी? 9,000 रुपीज. 9,000 रुपीज A की इनकम है और आपको पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ B एंड C. ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या है, अगर A की इनकम 9,000 है तो यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि सर A की यूनिट में कितनी इनकम है? 3, और आपने बताया कितना है? 9,000. तो भाई यहाँ पे सीधा आप क्या लगाएंगे, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9,000. तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 3,000. आई थिंक ये सबको फटाक से समझ में आया होगा. ठीक है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो सर बी की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर ये इसको इंटू करेंगे 3,000 से और ये इसको इंटू करेंगे 3,000 से, क्योंकि यही क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया है. तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 21,000 हो गई. इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15,000 हो गई. आपको क्या पूछा था? डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी. तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, बी और सी का. तो 21,000 है, 15,000 है, डिफरेंस कितना हो गया? 6,000 हो गया. ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिक. ये आपका बेसिक है कि इस तरह से आपने बेसिक निकालना है. ठीक है ना, लेकिन हम ये इस तरह से नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है. तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए ये तो आपका बेसिक हो गया. अब हम इसको किस तरह से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सबको मल्टीप्लाई करके करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड सी. और ये क्या है, ये उनके इनकम के यूनिट्स हैं कि नहीं, है ना, ये इनके इनकम के यूनिट्स हैं और आपसे डिफरेंस पूछा है. तो रादर देन
taking the entire this income of B and C, what we will do, we'll take the difference of their units. Ratio में जो है इसका difference ले लेंगे. इसका difference ले लेंगे तो कितना आएगा? 7 और 5 का difference कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये difference आएगा 2. अब ये difference आपने निकाल लिया, multiplying factor कितना था आपका? 3. तो इसको 3000 से multiply कर देंगे तो आपका answer फटक से आ जाएगा, वो कितना आएगा? 6000 rupees is the right answer. ठीक है, तो इस तरह से आपने इन चीजों को स्मार्टली हैंडल करना है. ठीक है, तो यहां से हम इन चीजों को समझते हैं कि आपको किस तरह से इसको हैंडल करना है. क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक चीज हो गई कि आपने जो देखनी थी, और दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें कि भाई अगर और भी कुछ इसमें देखिए बात करते हैं. इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें कि भाई अगर दिया हुआ है सपोज कि एक स्कूल में है ना, इन अ स्कूल रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दिया हुआ है कितना है? निकाल सर 4:5 है, 4:5 है ना. एंड व्हेन 100 बॉयज लीव द स्कूल, 100 बॉयज लीव द स्कूल है ना, 100 बॉयज क्या हुए? चले गए. तो ये 100 बॉयज के जाने के बाद क्या हो जाता है? 100 बॉयज के जाने के बाद क्या हो जाता है? सर ये जो रेशियो दिया हुआ था ना यहाँ पर, ये जो रेशियो दिया हुआ था, ये बाद में क्या हो गया? 100 बॉयज के जाने के बाद ये 6:7 हो गया. देखिए ये रेशियो की बात हो रही है अभी तक, है ना. हाँ, पहले क्या था? ये रेशियो कितना था आपका? तो आप कहेंगे सर पहले गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना था? तो 4:5 था. और बाद में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना हो गया? 6:7 हो गया. कब? जब 100 बॉयज जो है ना वो छोड़ के चले गए, है ना. अभी कितने क्या ये सब नहीं पता है हमको, ठीक है ना. हमको ये नहीं पता है कि कौन कितना, कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है, वो सब कुछ नहीं पता है. हमारे पास रियल नंबर नहीं है. हमारे पास जो चीज है वो क्या है कि सर हमारे पास सिर्फ रेशियो दिया है गर्ल्स और बॉयज का, जो कि पहले कितना हुआ करता था सर? 4:4, मतलब 4 लड़कियां थी तो 5 लड़के थे. बाद में क्या हुआ सर? ये 6 लड़कियां बची और 6 यूनिट लड़कियां और 7 यूनिट लड़के बचे. हुआ क्या बीच में कि 100 बॉयज जो है वो क्या हो गए? चले गए, है ना. 100 बॉयज जो है वो क्या हुआ? चले गए. तो इसका बेसिक समझते हैं. बेसिक बहुत ही आसान है इसका. बेसिक क्या कहता है कि सर मैं इसको ना एक्स मान लेता हूं, सबसे आसान है ना. तो ये मैंने मान लिया 4x, ये मान लिया मैंने 5x. ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 4x हो गई. और बॉयज कितने हो गए? 5x. मतलब सर पहले गर्ल्स 4x थी और बॉयज 5x थे. उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये सर कि 100 बॉयज चले गए, है ना. अच्छा, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि सर गर्ल्स जो थी वो कितनी थी? 4x थी. और बॉयज कितने थे? 5x थे, है ना. 5x थे. उसके बाद क्या हुआ? 100 बॉयज चले गए. बॉयज कौन सा था? 5x. चले गए. चले गए मतलब क्या हो गया? डिडक्ट हो गए. हम क्या करेंगे? इसको माइनस 100 कर देंगे. और इनके जाने के बाद, ये करने के बाद, है ना, ये करने के बाद रेशियो कितना हो गया था मेरा? 6:7 हो गया था. मैं यहां लिख दूंगा सर ये 6:7 हो गया. सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें. मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. जैसा था वैसा लिखा. सर ये 4x था, ये 5x था. तो गर्ल्स का इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ. बॉयज क्या हुए? तो बॉयज जो है आपके 100 चले गए. तो क्या हो गया रेशियो उसके बाद? 6:7 हो गया, है ना. कितने हो गए? 6:7 हो गए. अब क्या करेंगे इसको? इसको सिंपली इसको इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई के तो कितना हो गया? ये इधर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 4x into 7 is equal to, इधर हो जाएगा 6 into 5x minus 100. तो अब ये कितना हो गया आपका? 28x हो गया is equal to, ये हो गया 30x minus 600 हो गया. ठीक है, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर ले आते हैं. तो ये हो जाएगा इधर आपका 30x minus 28x is equal to 600. तो ये हो गया आपका 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 600. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300.
एक्स की वैल्यू 300 हो गई। तो आपसे अगर सवाल में कुछ भी पूछ सकता है ना। हाँ, अभी वो पूछ सकता है कि भाई हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, राइट। तो ये पूछ सकता है आपसे, भाई कितनी लड़कियां गर्ल्स में थी। या ये पूछ सकता है कि बाद में कितनी लड़कियों का तो वैसे चेंज नहीं हुआ है, तो आपसे इसमें वेरिएशन में भी पूछ सकता। चल पहले देखते हैं, चलिए एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली ना, तो एक्स की वैल्यू अगर निकाल ली तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे 300 इंटू 4, तो कितना हो गया? 1200 हो गया। गर्ल्स के नंबर्स कितने हो गए? 1200। बॉयज के नंबर्स कितने हो गए? तो 1500। बराबर है ना, ये पहले के हो गए। बाद में निकाल लेते हैं, बाद में क्या हुआ सर? रेशियो इतना हो गया है ना, तो ये कितने हो गए? ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं आप, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि सर कितने हो गए। तो आप कहेंगे सर गर्ल्स के नंबर्स कितने हो गए? इसमें अगर पूछा है कि गर्ल्स के नंबर्स बताओ कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1200। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं आप, इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका एकदम बेसिक तरीका है और कुछ नहीं। इसमें कभी कभी वेरिएशन ऐसा आता है, कहता है कि भाई गर्ल्स और बॉयज का रेशियो इतना है, सपोज गर्ल्स अगर 50 आ गई और बॉयज 50 चले गए तो रेशियो बिकम्स दिस वच। तब भी आप इसको क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी सारी चीजें ये हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को सॉल्व करना है। आज हमने जस्ट बेसिक्स देखे हैं इसके, कि बेसिक्स क्या क्या होते हैं रेशियो के। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रेशियो के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो सारे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। या नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेशियो के कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो हमने देखे थे लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि रेशियो के जो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ये सारी चीजें जो आप देखते हैं ना, इसमें सर एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से इन चीजों को सॉल्व किया जाता है, तो वो सब हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि सर ये क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कि ए रेशियो बी दिया हुआ है सर 2:3 और दिया हुआ है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5। और आपको यहां पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आपको पूछा जाता है सवाल में, एक लाइन में आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होता है ना। तब आपसे पूछा है भाई कि ए रेशियो बी का दिया हुआ है सर कितना 2:3 और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 4:5। इसमें एक कंडीशन होती है, वो आप समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। वो ये है कि ए रेशियो बी अगर दिया हुआ है ना, तो ये जहां पर खत्म होता है बी, सो दूसरा वाला जो है वहीं से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब इसका लास्ट टर्म और इसके बाद का फर्स्ट टर्म, दिस हैज टू बी सेम। ठीक है, अगर ये इस तरह से दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना होता है। इस फॉर्मेट में लाना होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको कि भाई मैंने बोला कि सर यहां पे दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 और यहां पे दिया हुआ है सी रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 और दूसरी जगह इधर दिया हुआ है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4। तो मैंने आपसे जो बताया था वो क्या था
कि सर ये जो लास्ट वाला पार्ट जो यहाँ खत्म होता है ना, वहां पे ये क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे का ऐसा सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताऊंगा, तो मैं इसको ऐसे का ऐसा सॉल्व कर लूंगा। लेकिन यहां पर मैंने देखा कि सर यहाँ जो लास्ट पार्ट जो यहाँ खत्म हो रहा है वो यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कि ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ये शुरू हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पलट दूंगा, पलट के क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा इसको बी रेशियो सी। अब मैंने अगर इसको पलट दिया है यहां से यहां और यहां, तो इसको भी आपको पलटना पड़ेगा। तो 3:4 की जगह क्या हो जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा। अब जाके ये दोनों जो है आपके सही हो गए, है ना। तो ये दोनों आपके सही हो गए कि देखिए सर यहाँ पे जो खत्म हो रहा था वहां पे ये शुरू हो रहा है। तो अब मैं आपको इसके आगे इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है कि हम सॉल्व कैसे करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ये शुरू होना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो आपको इसको इंटरचेंज करके सही करना है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये अगर आपने कर लिया कि भाई हाँ सर ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ये शुरू हो रहा है, अगर ये आपका फिट बैठ गया है तो फिर आगे क्या करना है आपने, तो हम क्या करते हैं सर, ए रेशियो बी लिख लेते हैं पहले, है ना। ए रेशियो बी लिख लेते हैं पहले, तो ए रेशियो बी मैंने लिख लिया कितना, 2:3, ठीक है। अब जहां पे बी था है ना, उसके नीचे बी रखेंगे, जहां पे बी था उसके नीचे बी कितना था, 3, इसके नीचे नीचे वाले का बी रखेंगे, इसका बी बी रेशियो सी कितना है, 4, तो इसका बी है सर 4, इसके आगे क्या है तो सी है इसका 5, ठीक है। इतना क्लियर है। पहले आपने क्या किया, ये ए रेशियो बी रख लिया, और जो बी था बी के नीचे ये वाला बी रखा, तो ये बी कितना था, 4, यहां पे रख दिया और इसके आगे लिख दिया 5। अब क्या कर लेंगे कि जो जो खाली जगह है वहां ये लिख दीजिए इस तरह से। अब क्या करना है, ये जो खाली जगह है इसके बाजू वाला वहां पे भेज देंगे, और इधर खाली जगह ये था तो इसके बाजू वाला यहां पर भेज देंगे, ठीक है। तो यहां पर भेजने के बाद क्या हो गया, तो सर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 था, जो भी बाजू वाला होगा वो भेज देंगे, वो 4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 हो गया तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा कितना, 4 2 8 हो गया, रेशियो 4 3 12 हो गया, रेशियो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 8:12:15, दिस इज माई आंसर, ठीक है, दिस विल बी माई आंसर। अच्छा, ये निकालने से पहले रेशियो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है पहले वो देख लेते हैं, है ना। रेशियो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, देखिए सपोज अगर आपको दिया हुआ है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है अगर, और आपसे पूछा है कि भाई इन सब की वैल्यू निकालनी है आपको ना, एक आपको वैल्यू दी है समझो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा आपसे पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तीसरा आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो भाई इसमें कौन कौन सी वैल्यूज है जो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी वैल्यू आप निकाल सकते हैं और कौन सी निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके जो रूल हैं वो याद रखिए, इसके रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं, पहला रूल ये है कि इफ इट इज आस्क, इट इज गिवन इन रेशियो, इफ इट इज गिवन इन रेशियो, इसका मतलब क्या है, अगर पूछा गया है रेशियो दिया हुआ है रेशियो में, है ना, सो क्या होगा,
आंसर विल बी इन रेशियो ओनली, रेशियो ओनली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर यहां पे जो है ना, यहां पे मुझे रेशियो में दिया था, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी है मेरा 3:2, तो अगर रेशियो में पूछा है तो सर आंसर भी किस में आएगा? रेशियो में ही आएगा। और दूसरा जो इसका रूल है वो ये कहता है कि डिग्री, डिग्री मस्ट बी सेम, डिग्री मस्ट बी सेम, डिग्री मस्ट बी सेम, तभी आप उसको निकाल सकते हैं। अगर पहले की बात करूं, मैं पहले वाले की बात करता हूं, तो सर मैं देखता हूं ये रेशियो में दिया हुआ है, सो दिस इज ओके पॉसिबल, है ना, दिस इज पॉसिबल। और दूसरा जो है सर ये ए प्लस बी में पूछा है, तो ये पॉसिबल होगा क्या? तो सर ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस विल हाउ मच, दिस इज क्या हो जाएगा ये सर? सी एन डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि भाई रेशियो में पूछा था ना, रेशियो में, तो उसका आंसर भी रेशियो में आएगा। ये रेशियो में है क्या? नहीं है। सो ये क्या होगा? ये दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और तीसरा देखते हैं सर, ये रेशियो में दिया था, रेशियो में है, हाँ तो ये भी निकाला जा सकता है शायद, है ना। अब देखते हैं दूसरे रूल पे आ जाते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? डिग्री मस्ट बी सेम, डिग्री मस्ट बी सेम ना, हाँ डिग्री मस्ट बी सेम। तो भाई डिग्री देखूं तो यहाँ पे क्या है? तो सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। डिग्री मतलब क्या होता है? पावर, है ना, तो पावर सेम होना चाहिए, तो ये निकाला जा सकता है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, ये निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि डिग्री अगर सेम नहीं है तो ये नहीं निकाला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये भी दिस कैन नॉट बी determined, so it will be of what? So it will be CMD. तो आपको दो चीजें याद रखनी है रेशियो में। पहली ये कि अगर रेशियो में दिया है तो रेशियो में ही आंसर आएगा, और दूसरी चीज डिग्री जो है वो डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए, डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई डिग्री सेम होनी चाहिए और रेशियो में पूछा है तो रेशियो में ही आंसर आएगा। अब आ जाते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे रेशियो के। रेशियो का तीसरा एस्पेक्ट क्या है? रेशियो कैसे कैसे नहीं लिखा जाता है, मतलब किस वे में आप रेशियो को नहीं लिखते हैं या रेशियो किस तरह से लिखा जाता है, है ना। देखिए इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है रेशियो के, स्पेसिफिकेशंस। पहला, सबसे पहला क्या है? रिटन इन द लीस्ट फॉर्म, रेशियो इज ऑलवेज इन द लीस्ट फॉर्म। लीस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है ना। देखो फ्रैक्शन में क्या करते हैं भाई हम लोग,